श्री देवी जी, ये टाइम था जब आप क्या दिखती थी, दुनिया आपकी दीवानी थी, अयो आप करोड़ों के दिलों की रानी थी। लेकिन सबका दिन होता है बॉस, और आपका दिन नहीं, आपके तो जाने कितने साल थी। लेकिन अब आपका समय पूरा हो चुका है, और आप ही बताइए कि 1963 की मॉडल की 2011 में क्या वैल्यू होगी, खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। ओके, पहले तो उस मॉडल में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो उसे एक एंटीक की तरह सजा कर ही रखेगा। तो आप समझ ही जाइए ना कि आपकी बॉलीवुड में कितनी डिमांड है, जाने कितनी लैंग्वेजेस में 200 से भी ऊपर फिल्में करने के बाद भी आपका मन नहीं भरा आज तक। हाँ, कि आप अभी कमबैक की सोच रही हैं? आप तो एक जीती जागती मिसाल बन रही हैं। अभी तो मैं जवान हूँ के लिए। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी जी जल्द ही इंग्लिश विंग्लिश बोलती नजर आएंगी। हैरान मत होइए, इंग्लिश विंग्लिश उनकी रिपोर्टेड कमबैक फिल्म का नाम है। और सुना तो ये भी है कि इनके लिए पतिदेव मिस्टर बोनी कपूर भी एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। भाई अब उम्र हो गई है, और आपकी टीवी वाली एंट्री भी फेल हो गई, अब फिल्म वाली री एंट्री में क्या होगा, किससे बताओ। लेकिन श्रीदेवी है कि अभी भी अपने आप को समझती हैं बिल्कुल जवान, और रिपोर्ट्स तो ये भी हैं इनकी नकली जवानी बरकरार रखने के लिए इनके पति को नौकरी तक करनी पड़ गई है। हुई, हुई, हुई। श्रीदेवी जी, अब इस उम्र में तो कायदे से आपको अपनी रॉकिंग चेयर पे बैठकर रिलैक्स करना चाहिए, और अपने बच्चों के सुखी फ्यूचर के सपने देखने चाहिए। अगर अभी भी आपको समझ ना आए तो जरा अपना वो टेढ़ा मेढ़ा रैंप वॉक याद कर लीजिए, जहां आप गिरने से बाल बाल बची थी, अब इन हड्डियों में उतना जोर नहीं रह गया है। तो श्रीदेवी, अभी तो मैं जवान हूँ। एट नंबर 6।